शिमला के कुल्लू में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए कवियों ने अपने अंदाज में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाया और महत्वपूर्ण सुझाव भी लोगों के सामने रखे। कार्यक्रम की शुरुआत युवा लेखिका इंदु भारद्वाज ने अपनी कविता प्रस्तुत करके की। इसके बाद दीपक शर्मा, शेर सिंह शर्मा समेत कई कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। आम आदमी के हाथ से निकल चुका जो तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, भूगर्भ जल 200 मीटर के नीचे चला गया है। तो उन चीज़ों को लेकर के हम जो यहाँ पहाड़ देखा, यहाँ सब कुछ देखा, आज हकीकत है कि हिंदी कविता में पर्यावरण विमर्श ही नहीं है। अकेडमिक स्तर पर इस स्तर का कोई विमर्श ही नहीं रखा गया, जबकि यह लिटरेचर के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है। राजनीति के लिए भी पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं रह गया है। हम लोग दूर प्रदेशों से आए जहां पर्यावरण की स्थिति बहुत ख़राब है। मुझे अच्छा लगा कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय राज्य सरकार कर रही है और हमने सुबह ही एक मानव श्रृंखला बनाई और उसको अब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कुछ स्लोगन के साथ। और यहाँ हिमतरु प्रकाशन समिति ने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया था पर्यावरण दिवस के अवसर पे, और तमाम कवियों ने, कुल्लू के तमाम कवियों ने और बाहर से आए कवियों ने भी अपनी पर्यावरण क्षरण की चिंता प्रकट की, बचाने की एक गुहार लगाई। कार्यक्रम में जिला लोक संपर्क अधिकारी प्रेम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने ऐसे कार्यक्रम को बेहद महत्वपूर्ण बताया और आने वाले समय में इसे और बड़े स्तर पर करने की बात कही। यहाँ लगभग 50 कवियों ने भाग लिया। इसमें कुल्लू ज़िला के अलावा बाहर के प्रदेशों से भी कवि आए हैं जिन्होंने पर्यावरण पर, एक बहुत संवेदनशील मसला है आज के दौर में विश्व का चिंतन है, और इस पर इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो पर्यावरण संरक्षण पर अपना कविता पाठ किया वो बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि इससे सभी हमारे जो युवा है, नौजवान है, स्कूली बच्चे हैं, सभी को शिक्षा मिलेगी। कार्यक्रम में आए कवियों ने सरकार से भी पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर गौर करने की मांग की। न्यूज़ डेस्क।